अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मक्का शरीफ में हुआ कुदरत का करिश्मा, हज के दौरान हुआ अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक हज करने वाले हाजी का वाकया बताएंगे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हैरान रह गए। दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। हजरत सैयदना अबुल हुसैन दर्राज अल रहमा फरमाते हैं, एक साल मैं अकेला हज पर रवाना हुआ और तेजी से मंजिले तय करता हुआ कदीसिया जा पहुंचा। वहां किसी मस्जिद में गया तो मेरी नज़र एक मज़्ज़ूम यानी कोढ़ी आदमी पर पड़ी। उसने मुझे सलाम किया और कहा, ए अबुल हुसैन, क्या हज का इरादा है? उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कराहत यानी घिन महसूस हो रही थी, लिहाजा मैंने बड़ी बेरुखी से कहा, हाँ। वो कहने लगा, फिर मुझे भी साथ ले चलिए। मैंने दिल में कहा, ये एक नई मुसीबत आन पड़ी। मैं तो तंदुरुस्त लोगों की रफाकत यानी हमराही से भी भागता हूँ और एक कोढ़ी मुझे अपने साथ रखने की फरमाइश कर रहा है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो लजाजत से बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे साथ ले लीजिए, मगर मैंने कसम खा ली, खुदा की कसम मैं हरगिज तुम्हें अपना रफीक यानी साथी नहीं बनाऊंगा। उसने कहा, अबुल हुसैन, अल्लाह कमजोरों को ऐसा नवाजता है कि ताकतवर भी हैरान रह जाते हैं। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। असर की नमाज पढ़कर मैंने दोबारा सफर शुरू किया और सुबह के वक्त एक बस्ती में पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर उसी कोढ़ी आदमी से मुलाकात हुई। उसने मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, अल्लाह कमजोरों को ऐसा नवाजता है कि ताकतवर भी हैरान रह जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे उसके बारे में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे। बहरहाल मैं वहाँ से रवाना हुआ। जब मकामे कर आ पहुँच कर नमाज पढ़ने मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे भी वहाँ बैठा देखा। उसने कहा, ए अबुल हुसैन, अल्लाह कमजोरों को ऐसा नवाजता है कि ताकतवर भी हैरान रह जाते हैं। ये सुनकर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई और मैंने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर, मैं अल्लाह गफ्फार से मुआफ़ी का तलबगार हूँ और आपसे भी दर गुजर का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। फरमाने लगे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अर्ज की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपके साथ सफ़र ना किया, बराए करम मुझे माफ़ी से नवाजते हुए सरीके सफ़र कर लीजिए। फरमाया, आप मुझे साथ न रखने की कसम खा चुके हैं और मैं आपकी कसम नहीं तोड़वाना चाहता। मैंने कहा, अच्छा फिर इतना करम फरमा दीजिए कि हर मंजिल पड़ाव पर अपनी जियारत का तरकीब फरमा दीजिए। तो फरमाया, इंशाअल्लाह। फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गए और मैं भी आगे बढ़ गया। अल्लाह के उस नेक बंदे की बरकत से बाकी सफ़र में मुझे भूख प्यास और थकावट का एहसास तक न हुआ। मुझे हर मंजिल पर उस बुजुर्ग की जियारत होती रही, यहाँ तक कि मैं मदीने मुनव्वरा की खुशबहार फजाओं से फैजियाब होने के बाद मक्का मुअज्जमा पहुँच गया। वहाँ पर हजरते सैयदना अबू बकर कत्तानी और हजरते सैयदना अबुल हसन मुजय्यन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। जब मैंने उन्हें ये हैरत अंगेज वाकया सुनाया तो उन्होंने फरमाया, अरे नादान, जानते हो वो कौन थे? वो हजरते सैयदना अबू जाफर मज्जूम अले रहमा थे। हम तो दुआएं मांगते हैं कि काश अल्लाह हमें इस वली का दीदार नसीब फरमाए। सुनो, अब जब भी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो हमें ज़रूर बताना। दसवीं जिलहिज्जा को जब मैंने जमरतुल अकबा यानी बड़े शैतान को रमी की यानी कंकड़ियाँ मारी तो किसी आदमी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा, ए अबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही बुजुर्ग यानी हजरते सैयदना अबू जाफर मज्जूम अले रहमा मौजूद थे। उन्हें देखते ही मुझ पर रिक्कत तारी हो गई और मैं रोते रोते बेसुध होकर गिर पड़ा।
जब मेरे हवास बहाल हुए तो वो तशरीफ ले जा चुके थे। फिर आखिरी दिन तवाफे रुखसत करके मकामे इब्राहिम पर दो रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए, अचानक किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा। देखा तो हजरते सैयदना अबू जाफर मज्जूम अलैह रहमत थे। फरमाने लगे, अबुल हुसैन, घबराने या शोर मचाने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहिए। मैं खामोश रहा और मैंने बारगाहे खुदावंदी में तीन दुआएं की। उन्होंने मेरी हर दुआ पर आमीन कहा। इसके बाद वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए और दोबारा नज़र नहीं आए। मेरी तीन दुआ ये थी। नंबर एक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे नज़दीक फ़क्र ऐसा महबूब बना दे कि दुनिया में इससे ज़्यादा कोई शय मुझे प्यारी न हो। नंबर दो, मुझे ऐसा न बनाना कि मेरी कोई रात इस हालत में गुजरे कि मैंने सुबह के लिए कोई चीज़ ज़खीरा करके रखी हो। फिर ऐसा ही हुआ, कई साल गुजर गए लेकिन मैंने कोई चीज़ अपने पास ज़खीरा करके न रखी। और तीसरी दुआ ये थी, अय मेरे पाक परवरदिगार, जब तू अपने औलियाए कराम को अपनी दीदार की दौलत उजमा से मुसर्रफ फरमाए तो मुझे भी उनमें शामिल फरमा लेना। मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि मेरी इन दुआओं को ज़रूर पूरा फरमाएगा, क्योंकि इन पर एक वली कामिल ने आमीन की मोहर लगा दी है। दोस्तों, ये था एक हैरत अंगेज वाकया जो हजरत सैयदना अबुल हुसैन दर्राज अलैहिर्रहमा के साथ पेश आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।